व्रत में परौठा खाने का मन है, क्या करें, करना क्या है, चलो बनाते हैं व्रत का परांठा। हेलो फ्रेंड्स, नेहास कुकिंग एंड वेट लॉस होम रेमेडीज़ में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रा स्पेशल थाली, जिसमें मैं बनाऊँगी आलू और सिंघाड़े का के आटे का पराठा, जो बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनने वाला है। और मैं इसे खाऊँगी हरी चटनी, धनिए और हरी मिर्च से बनी चटनी के साथ। तो मेरी नवरात्रा स्पेशल थाली देखने के लिए मेरी रेसिपी देखना बिल्कुल ना भूलिए, और मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रा स्पेशल थाली, जिसमें मैं लाई हूँ आपके लिए पराठा। अगर व्रत में भी आप सोचते हैं कि पराठा खाने का मन कर रहा है और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आज शुरू हो जाएं, क्योंकि मैं बहुत ही आसानी से व्रत का पराठा बनाने वाली हूँ और आप भी जाएं अपनी किचन में और शुरू हो जाएं। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इन्ग्रीडियंट लिया है सिंघाड़े का आटा, जो मैंने लिया है आधा कटोरी सिंघाड़े का आटा। इसमें मैं ऐड करूंगी रोस्टेड मूंगफली का पाउडर। मैंने मूंगफली को ऐसे ही रोस्ट कर लिया है और उसको ग्राइंडर जार में उसको ग्राइंड कर लिया है और मैंने इसे मिक्स कर दिया। इससे हमारे परांठे बहुत ही कुरकुरे बनने वाले हैं और ये बाइंडिंग के लिए भी बहुत अच्छा काम आता है, इसलिए मैंने ऐड किया है। साथ ही मैंने कसूरी मेथी, धनिया और जीरा ऐड किया है। साथ ही मैंने सेंधा नमक आधा चम्मच ऐड किया है। अगर आप ये मसाले नहीं खाते हैं व्रत में, कसूरी मेथी, धनिया और जीरा, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं तो खाती हूँ इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी दो उबले हुए आलू। आलू यहाँ पर हमें उबले हुए लेने हैं, कच्चे आलू नहीं लेने हैं। तो मैंने यहाँ उबले हुए दो आलू ले लिए हैं। ये उबले हुए आलू से ही हम, साथ ही इसमें मैं ऐड करूँ लाल मिर्च पाउडर। उबले हुए आलू से ही ये बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। हमें इसमें पानी बहुत ही कम डालना पड़ेगा, 2 से 3 चम्मच ही पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और ये बिल्कुल अच्छे से इसका डो लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख रहे हैं कि मेरे को पानी की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं लग रही है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा 1 चम्मच नींबू का रस। इससे पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे, इसलिए मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे हल्का सा पानी ऐड किया है, 2 से 3 चम्मच। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी ऐड करना है। और इसका एक डो रेडी कर लूँगी। यहाँ मैंने इसका डो रेडी कर लिया है। ये ना तो ज़्यादा टाइट लगाना है हमें, ना ही बिल्कुल ढीला लगाना है। बिल्कुल एक बीच का डो होना चाहिए, बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जैसे हम रोटी का लगाते हैं वैसा ही लगाना है। और इसे हमें ढक के रखना है, क्योंकि सिंघाड़े का आटा जल्दी सूखने लगता है, इसलिए हमें इसे ढक के ही रखना है। और आज हम अलग तरीके से रोटी बनाएंगे, क्योंकि सिंघाड़े की रोटी अक्सर बेलने के बाद किनारों से टूटने लगती है। तो आज मैं उसका एक तरीका आपको बताऊंगी। हम लेंगे एक, मैंने यहाँ पर एक लिया है प्लास्टिक का पॉली बैग लिया है और इसी के अंदर मैंने अच्छे से ऑयल लगा लिया है, ताकि हमारी रोटी बिल्कुल ना चिपके। और मैंने अपना जो पेड़ा है रोटी का वो बीच में रख दिया है और मैं इसको बिल्कुल नहीं बेलूंगी, इसे नए तरीके से बनाऊंगी ताकि हमारी रोटी बिल्कुल ना टूटे। मैंने इसके ऊपर एक प्लेट रख के उसे अच्छे से दबा दिया है और आप देखेंगे कि हमारी रोटी बिल्कुल रेडी हो जाएगी और बिल्कुल भी किनारों से नहीं टूटेगी ये। और यहाँ पे मेरी रोटी बिल्कुल रेडी है। कभी आपने बनाई है इस तरीके से तो आज ही ट्राई करें, क्योंकि हम अक्सर सिंघाड़े की आटे की या कुट्टू के आटे की रोटी साइडों से किनारों से टूटने लगती है और बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। और ये देखिए बिल्कुल स्मूथ बनी है। और मैंने इसे निकाल के एक नॉनस्टिक पैन के ऊपर अच्छे से पका लूँगी।
इसको अच्छे से प्रेस करेंगे और उलट पलट करके पकाएंगे। अभी एक साइड से पक चुकी है तो दूसरे साइड से मैंने इसे पलट दिया है और वहाँ से भी पका लूँगी और इसके ऊपर अच्छे से घी लगाएंगे पकने के बाद। याद रखें कि पकने से पहले आपको घी नहीं लगाना है, पकने के बाद ही लगाना है घी जब वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। जब भी परौठा खाने का मन हो, वो भी व्रत में, तो बिल्कुल ना सोचें, जाएं और झटपट से बना लें परौठा। और हमें बेलने की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने बच्चों से भी बनवा सकते हैं कि जाओ और हमारे लिए परांठा बना कर लाओ। तो ये रेडी है हमारा परांठा, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। तो ऐसे ही मैं अपने बाकी का परांठा भी बना लूँगी। दूसरी तरफ से भी मैंने घी लगा लिया है इसमें। तो ये मेरी व्रत की थाली रेडी है, पराठा बहुत ही अच्छा और ब्राउन क्रिस्प हो गया है। इसको मैं खाने वाली हूँ हरी चटनी और दही के साथ, और साथ में सैलेड ही हो तो क्या बात। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।